हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ये हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 32 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले काउंटर्स। काउंटर्स इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप हुज स्टेट चेंज इन रिस्पॉन्स टू पल्सेस अप्लाइड एट देयर इनपुट। काउंटर्स क्या होता है? ये सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जिस एंड वो जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका स्टेट क्या होगा? चेंज होगा। हुज स्टेट चेंज एंड चेंज कब होगा? इन रिस्पॉन्स टू द पल्सेस अप्लाइड। जब भी हम इस फ्लिप फ्लॉप जो काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे उन फ्लिप फ्लॉप के अगर इनपुट पर हम क्लॉक पल्सेस अगर अप्लाई करेंगे तो उन फ्लिप फ्लॉप का स्टेट क्या होगा? चेंजेज होगा। ठीक है, ये तो आपको एक डेफिनेशन याद रखना है काउंटर्स का। दूसरा क्या पॉइंट है इसमें कि फ्लिप फ्लॉप्स आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सच डैट जो भी काउंटर में फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे वो एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं देयर कंबाइंड स्टेट एट एनी टाइम। कि अगर हम सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लें एंड उनको कंबाइन करें किसी भी टाइम पे इज द बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पल्सेस दैट हैड अकर्ड अप टू दैट टाइम। अगर हम किसी टाइम पे भी सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लेते हैं एंड देखते हैं उसका बाइनरी कितना होता है तो बाइनरी नंबर उतना ही होगा जितना हम नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस उस टाइम तक अप्लाई किए होंगे। ठीक है, जब भी मान लीजिए आप किसी टाइम पर आप टू क्लॉक पल्सेस अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, तो उस समय अगर आप सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट का बाइनरी इक्विवेलेंस देखिएगा तो बाइनरी इक्विवेलेंस भी होगा 1-0। 1-0 किसका बाइनरी है? 2 का। अगर आपने 3 क्लॉक पल्सेस अप्लाई किया तो बाइनरी कितना होगा? 3। ये पॉइंट आपका क्लियर होगा आई थिंक कि काउंटर्स में फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड उन फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज होगा कब? जब हम उनके इनपुट पर क्लॉक पल्सेस अप्लाई करेंगे एंड सारे फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड उनका कंबाइंड बाइनरी इक्विवेलेंस किसी भी टाइम पे किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस उस समय तक जितना अप्लाई किए होंगे उसके बराबर होगा। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी कभी पूछा जाता है कि काउंटर्स आपका कॉम्बिनेशन सर्किट है कि सिक्वेंशियल सर्किट है। ऑफकोर्स ये सिक्वेंशियल सर्किट है। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? जिसमें आप मेमोरी एलिमेंट जैसे ही आपका किसी भी सर्किट में अगर मेमोरी एलिमेंट ऐड ऑन हो जाता है तो वो क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। तो काउंटर में हमारा फ्लिप फ्लॉप यूज ही हो रहा है एंड फ्लिप फ्लॉप तो मेमोरी एलिमेंट है ही, इट मीन्स काउंटर हमारा सिक्वेंशियल सर्किट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि काउंटर्स का हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के लिए हम अगर हमें डिवाइड करना है तो हम काउंटर्स का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट है 2 MHz फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है 4 MHz, ठीक है, आपको मिल रहा है 4 एंड आपको चाहिए 2, तो आप क्या करोगे कि 2 MHz जब आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वहाँ पर आप एक काउंटर यूज कर लोगे तो काउंटर क्या करेगा? आपके 4 MHz को 2 MHz फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। इट मीन्स क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि काउंटर का यूज कहाँ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे। ये कैसे होता है हम आने वाले वीडियो में और क्लियर से समझेंगे। अब काउंटर्स 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक टाइप को बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर, दूसरे टाइप को बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोलते हैं। अब ये जो काउंटर है उसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया कि अगर हम काउंटर्स हैं, काउंटर में फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप होंगे, तो अगर हम सारे फ्लिप फ्लॉप को एक ही साथ क्लॉक पल्सेस दे रहे हैं, मतलब एक ही क्लॉक पल्सेस सारे फ्लिप फ्लॉप को अगर दें तो उनको क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस काउंटर। सेम क्लॉक इज यूज फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप, सारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे तो उनको हम एक ही क्लॉक पल्स दे रहे हैं, इट मीन्स वो सिंक्रोनस है, एक सिंक्रोनाइज मैनर में, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस काउंटर। एंड अगर किसी एक फ्लिप फ्लॉप का अगर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करे तो वो काउंटर क्या कहलाएगा? एसिंक्रोनस काउंटर। आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज क्लॉक फॉर द अदर फ्लिप फ्लॉप। वन फ्लिप फ्लॉप मतलब एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या करेगा? दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा। देन वैसे काउंटर को हम क्या बोलेंगे? एसिंक्रोनस काउंटर है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर में और क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। बेसिकली मेन 3 डिफरेंसेस हैं, हम एक एक करके सबको देखते हैं। सेम क्लॉक इज अप्लाइड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप एट द सेम टाइम। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप उसमें लगे होंगे सारे फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक एक ही टाइम पर मिलता है।
ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टी होता है सिंक्रोनस काउंटर का। एंड दूसरा एसिंक्रोनस में क्या होता है, आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज ए क्लॉक फॉर द अदर फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या करेगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा। जैसे एसिंक्रोनस काउंटर में हम तीन फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं, एक दो तीन, तीन फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं हम, तो हम क्या करेंगे किसी एक फ्लिप फ्लॉप को जो लेफ्ट में होगा उसको क्या करेंगे, हम क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, केवल एक को प्रोवाइड करेंगे। एंड इसका जो फर्स्ट वाला होगा उसका आउटपुट क्या करेगा, दूसरे वाले के लिए क्लॉक का काम करेगा, फिर दूसरे वाले का आउटपुट तीसरे वाले के लिए क्लॉक का काम करेगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस में हम एक को अप्लाई करेंगे एंड उसका आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक का काम करेगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए काम करेगा। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन फ्लिप फ्लॉप हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों को एक ही क्लॉक एक ही साथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब सेकंड डिफरेंस क्या है कि सिंक्रोनस काउंटर इज अ फास्टर देन एसिंक्रोनस काउंटर। क्यों, क्योंकि हम तीनों, अगर तीन हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हैं तो तीनों को हम एक साथ ही क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास तीन फ्लिप फ्लॉप हैं कोई भी है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो ये हमने क्लॉक प्रोवाइड किया यहाँ पर हमारा CLK, क्लॉक को CLK से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा JK है, फ्लिप फ्लॉप JK 0, JK 2, 1 एंड JK 2, तीन फ्लिप फ्लॉप हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक ही साथ एक ही क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये फास्टर होगा। क्यों, क्योंकि तीनों को एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो तीनों अपना आउटपुट एक ही साथ दे सकता है। लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि ये तीन फ्लिप फ्लॉप हैं, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम करेगा, इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम करेगा एंड हम क्या किए इसको क्लॉक दिए। तो इसको हमने क्लॉक किया, ये जितना देर में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट देगा तब तक ये वेट करेगा एंड ये भी वेट करेगा, क्योंकि ये आउटपुट आएगा देन इसको क्लॉक, वो आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम करेगा एंड देन उस क्लॉक के रिस्पॉन्स पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप ये काम करेगा। देन ये जितना देर अपना प्रोसेस करेगा उतने टाइम के लिए ये वाला फ्लिप फ्लॉप वेट करेगा एंड देन इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक का काम करेगा। तो क्या होता है, एक प्रोपोगेशन डिले होता है एसिंक्रोनस काउंटर में, एंड सिंक्रोनस काउंटर में प्रोपोगेशन डिले होता ही नहीं क्योंकि हम इसमें कोई प्रोपोगेशन है ही नहीं, एक ही साथ तीनों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट इज़ अ फास्टर देन एसिंक्रोनस काउंटर बिकॉज द प्रोपोगेशन इन्वॉल्व इज लेस, इसमें प्रोपोगेशन डिले है ही नहीं। एंड एसिंक्रोनस काउंटर इज स्लोअर देन सिंक्रोनस काउंटर बिकॉज प्रोपोगेशन डिले इज लार्जर एंड डिले इंक्रीज एज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज इन द काउंटर। एंड जैसे जैसे अगर हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करते जाएंगे तो एंड वाला फ्लिप फ्लॉप तो काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा ना उसको। तो एसिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, स्लोअर होगा एंड सिंक्रोनस काउंटर क्या होगा, फास्टर होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन बिकम टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स एज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीजेज। सिंक्रोनस काउंटर का जो डिज़ाइन है एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे उसको बनाएंगे, तो सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही उनका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल होता है एंड अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ भी जाए फिर भी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इनका उतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। तो सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन के लिए सिंपल है। लेकिन सिंक्रोनस काउंटर फास्ट होता है, एसिंक्रोनस काउंटर स्लो होता है एंड सिंक्रोनस काउंटर में सेम क्लॉक प्रोवाइड करते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप को, एसिंक्रोनस काउंटर में आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप एक टच ए क्लॉक फॉर द अदर फ्लिप फ्लॉप। तो ये तीन मेजर डिफरेंस थे हमने देखा इस वीडियो में कि काउंटर होता क्या है एंड एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी एंड कौन कौन से बेसिक टर्म यूज होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।